यहाँ एंड हो रहा है और ये यहाँ एंड हो रहा है ऊपर। गर्दन पीछे करने से दर्द दे रहा है गर्दन में? ये साइड में भी है, ये साइड। ये जो है ना ये ऊपर नीचे हो गया है ना, राइट साइड में। ये साइड में नहीं, नहीं दे रहा, राइट साइड में दर्द कर रहा है। ये साइड का कम ओपन होता है, दिख रहा है थोड़ा पाँव कम ज़्यादा है, ये ऊपर नीचे। ज़्यादातर पेन लेफ्ट साइड होता है। प्रॉब्लम क्या क्या है मैं पहले बता देता हूँ। पेल्विक टिल्ट है आपका, तो क्या होता है उससे कभी आप ज़्यादा बैठ गए या खड़े रहे या एक जगह रहे तो वो दर्द देता है, लेकिन थोड़ा चल लिए तो कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक जगह बैठने से वो खींच के रखता है, लेकिन आप चल लेते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे है पेल्विक टिल्ट। और ये TMJ जॉइंट कम ओपन होता है और ये ऊपर नीचे है, उससे होता क्या है कभी भी खाने का या सोने का टाइम कम ज़्यादा हुआ, बॉडी पेन या स्ट्रेस हुआ, या कोई लाइट या स्क्रीन ज़्यादा देख लिए, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो सबसे पहले वो सिर दर्द देता है, चिड़चिड़पन लगता है, कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, ऐसा होता है। ये इनको माइग्रेन है और पेल्विक टिल्ट है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। यहाँ पे रेड की हड्डी टेढ़ी भी है, उसको भी टाइट। पेंड हो रहा है अभी ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है। देखो पहले बहुत ज़्यादा था ना, क्योंकि यहाँ पे भी वो करेक्ट हुआ है। देखो पहले बहुत ज़्यादा था, और ये रीढ़ की हड्डी है ना, स्कोलियोसिस था, मतलब रीढ़ की हड्डी यहाँ से ऐसी आती थी, आपने देखा ही होंगे ना। अभी देखिए काफ़ी सीधी हो चुकी है। आपको दिखने में भी कुछ ठीक लग रहा है क्या? क्या ठीक लग रहा है दिखने में? पहले तो थोड़ा यानी कभी कभी तो ऐसा होता था कि बीच बीच में फिर आधा आधा दिखता। हाँ, अभी कुछ अभी थोड़ा क्लियर लग रहा है। क्लियर लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये जो जॉइंट रहता है ना वो कम ओपन होने से मसल खींच के रखता है, तो उसका आंखों में भी दिखने में भी होता है, किसी को यहाँ पे भी होता है, और इस रीजन में तो होता ही है। ठीक है, यहाँ से ऐसा पूरा ये सर पकड़ा देता है। ठीक है,